अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक नईम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर करते हैं जी वीडियो शुरू। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा के आल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से जी अभी नमाज फजर अदा की है और अभी मैं अपने खेत की तरफ आया हुआ हूँ जी, और वीडियो अपलोड भी हो रही है जी मेरी, क्योंकि मेरा सुबह का टाइम है। मैं तकरीबन 6 बजे मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है, तो इस वक्त बाहर हमारे खेत की तरफ सिग्नल बहुत अच्छे आते हैं, तो उस तरफ मैं आया हुआ हूँ जी। ये हमारा पीछे खेत है जी, सामने ये माशाल्लाह से जी सूरज भी निकल रहा है जी, और सुबह सुबह का मंजर जी गांव का, और पीछे जी खजूर के दरख्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह से जी ये देखें जी, सामने सूरज निकल रहा है जी, और आज मौसम जी थोड़ा अबरालूद है जी, आपको नज़र आ रहा होगा। और आपको मामू चांद भी दिखाते हैं जी, ये सामने नज़र आ रहा है जी, मेरी उंगली के सामने थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है जी। और ये जी पानी जो आ रहा है ना, ये सारा मुल्तान के गटरों का पानी है जी, और इतनी इसकी स्मेल है ना बहुत ही ज़्यादा जी। हम शाम को खाना खा रहे थे कल, तो इसकी इतनी स्मेल आ रही थी कि बहुत, ये गंदा पानी है जी लैट्रिनों वाला। तो उन्होंने सारा इधर ही भेज दिया है जी पानी हमारी नहर में। मैं डेरा गाजी खान गया था, तो रास्ते में दरिया चनाब और दरिया सिंध आया था, तो दरिया सिंध में भी पानी नहीं था और दरिया चनाब में भी पानी नहीं था। आपने देखा होगा वीडियो में, बहुत ही कम और थोड़ा थोड़ा बह रहा था जी। तो भाई साहब पानी की बहुत ही किल्लत है, किसान बहुत ही परेशान है। तो हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि डैम बनाए जाएँ जी, और किसानों को पानी दिया जाए ताकि वो अपनी फसलें से राब करें और एग्रीकल्चर को जी प्रमोट करें। तो क्योंकि ट्वेल का पानी बहुत ही महंगा पड़ता है जी, 1800 रुपये घंटा हो चुका है जी। भाई साहब पहले भी आपको बता चुके हैं, तो हमारी एक मौतबाना गुजारिश है हुकूमत से कि डैम बनाए जाएं और किसानों को पानी दिया जाए जी, ताकि वो अपनी फसलें बनाएं जी, काश्त करें और पानी की फिक्र ना हो। नमाज़ ज़ुहर का टाइम हो चुका है जी, अभी मैं अदा करने जा रहा हूँ जी नमाज़ ज़ुहर। आपको अजान की आवाज़ आ रही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मफ्तहली अबवाब बिरहमतिक। अल्हम्दुलिल्लाह से जी नमाज़ ज़ुहर मैंने अदा कर लिया जी, और आज मैंने दोबारा जी डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए जाना है जी। 7 दिन की दवाई ले आया था और ख़त्म हो चुकी है जी, वो दवाई आज शाम तक की है और ख़त्म हो चुकी है जी। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद जी निकलूँगा जी मुल्तान के लिए, मेडिसिन लेकर आते हैं, दोबारा चेकअप करवाते हैं जी। मैंने आपको बताया था मुझे कमज़ोरी हो गई थी और चक्कर वगैरह आते थे साहब ना, 3 से 7 बजे तक चेकअप करते हैं जी, शाम के 3 से 7 बजे तक। तो मैं इंशाल्लाह अभी नमाज़ पढ़ के जा रहा हूँ जुहर की, चल के खाना खाते हैं, फिर निकलूँगा जी मैं मुल्तान के लिए चेकअप करवाने के लिए।
अभी जी मेडिसिन लेने चलते हैं जी। अभी मैं अपने ऊपर वाले कमरे पे आया हुआ था और रिसेप्शन पे कॉल करके ना मैंने पता किया है जी, उन्होंने कहा है जी डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आप 3 बजे आ जाएं। तो अभी मैं निकलता हूँ, तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट लग जाएंगे क्योंकि मैंने दोस्त प्लाजे जाना है। तो इंशाल्लाह फिर दवाई लेके आते हैं जी, साथ जुड़े रहिए जी। अभी जी चलते हैं जी। सफ़र शुरू करने से पहले जी सफ़र की दुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुलना लहू मुक़रिनीन वन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और एक दफ़ा तक कुर्सी पढ़ लेंगे जी। जी ट्रैफिक जाम है जी, लंबी लाइन लग चुकी हैं जी। और खैर ऑफिस से हम पहुंच चुके हैं जी। देखें जी लंबी लाइन लग चुकी हैं जी। और ये है जी दोस्त प्लाजा, और इधर सारे डॉक्टर ही डॉक्टर हैं जी। अगर ट्रैफिक में बंदा फंस जाए ना, बहुत ही उलझन होती है जी। काफ़ी देर से ये लंबी लाइनें लगी हुई हैं जी। और जी इधर भी गाड़ियों की लंबी लाइन लग चुकी है जी, ये देखें वो उधर सामने। तो भाई
और हमने जाना जी इधर सामने, ये लगा हुआ है जी सामने बोर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह से जी चेकअप वगैरह करवा लिया जी, अब एक महीने के बाद दोबारा चेकअप करवाना है जी, और अभी चलते हैं जी मेडिकल हॉल से जी दवाई लेते हैं जी। इधर से जी दवाई ले रहे हैं जी। ये जी आधी गोली रात को, सुबह खाली पेट ठीक हो गया। ठीक हो गया। सुबह शाम खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से जी दवाई भी ले ली है जी, और बहुत महंगी है जी दवाई, इसकी दवाइयाँ जी बहुत ही महंगी हैं जी। अल्लाह पाक जी तकलीफ़ किसी को ना दे जी, जो बंदा गरीब हो वो कैसे सरवाइव करेगा जी। 3100 की आ गई है जी, 3100, जो गरीब बंदा हो जी वो कहाँ से लेगा, जो 700-800 रुपये दिहाड़ी वाला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सरवाइव कर रहे हैं जी, अल्लाह पाक मुझे सेहत दे जी, मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा व्यूवर्स। अल्हम्दुलिल्लाह से जी दवाई वगैरह ले लिया जी, अब हमारा सफ़र है जी घर की तरफ, और रश चेक करें जी, इस रोड पे तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है और ट्रैफिक जाम हो जाती है, क्योंकि ये देखें सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं जी सड़क के ऊपर। देखें जी अभी स्लोली जा रहे हैं जी, ये देखें जी अब ट्रैफिक दोबारा जाम हो गई है जी। देखें जी जिसकी जैसे मनमानी आती है जी वैसे वक्त वही कर रहा है जी। देखें अब इन दो सामने कार वालों ने जी रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। जिसकी जो मर्जी आती है जी वो सड़क के बीच खड़ा हो जाता है जी, गाड़ी अपनी खड़ी करके। ये पाकिस्तान है भाई साहब कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है जी। अभी जी फालसे ले रहा हूँ जी अबू के लिए, अबू ने कहा था जी मेरे लिए फालसे ले के आने, तो ये 50 रुपये पाव दे रहे हैं जी। ले जी मैं अले फालसे आ चुके हैं जी, और इसको इधर जी लटकाते हैं। अभी जी पेट्रोल डलवाते हैं जी, पेट्रोल हमारा ख़त्म हो चुका है। $500 का
282 रुपए 79 पैसे अब चलते हैं जी घर। रास्ते में जी तरबूज देखते हैं और वो लेते हैं जी, उधर सामने खड़ा है तरबूज वाला, वो खाते हैं तरबूज, उस सामने को भी खिलवाते हैं जी, हम भी खाएंगे। अभी जी इधर से तरबूज खा रहे हैं जी, गर्मियों का जी है एक मेवा है जी, एक प्लेट में दे दो। नमक डालना है, थोड़ा डालना है, और व्यू भाई साहब शोर चेक करें जी शहर में, ओए ओए ओए, और खूबसूरत सी मस्जिद माशाल्लाह। तरबूज हमारा आ चुका है जी। इधर जी सामने नए घर बन रहे हैं जी मेरे चाचा के, चाचा रफीक के, वो उधर जी सोए हुए हैं जी। ये जी एक कनाल है टोटल, बहुत जल्द जी आपको इधर न्यू घर VIP देखने को मिलेगा जी। ये मिट्टी वगैरह जी जमा हो चुकी है और ट्रालियां आ भी रही हैं कुछ। ये जी मिट्टी डाल के जा रही है जी ट्रैक्टर ट्राली। और धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई है जी, और हमारे गांव में जी तकरीबन तमाम गंदम निकल चुकी हैं जी किसानों की अल्हम्दुलिल्लाह से जी। अजान असर हो चुकी है जी, अभी नमाज असर अदा करते हैं जी। ये बच्चे आ रहे हैं जी पढ़ने के लिए कुरान मजीद। ये मिट्टी की ट्राली जा रही है जी, हाँ
ज्यादा ना आवे बाबू, ना ट्राली पूरी करनी है फॉल बार के। भाई साहब, आज के दौर में घर बनाना बहुत ही मुश्किल है। पहले अंकल जी वो मिट्टी वगैरह डाल रहे हैं, भरा वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ईंटें डलवाएंगे, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन जारी रखेंगे, क्योंकि इस दौर में मकान बनाना बहुत ही मुश्किल है। आप हिसाब लगा लें, सीमेंट का, बजरी का, बहुत पैसा होना चाहिए जी। अभी जी मैं अपनी पुल की तरफ जा रहा हूँ जी, और नमाज़ असर अभी अदा किया जी अल्हम्दुलिल्लाह से जी। और पीछे ये रिक्शे वाले ने शोर मचाया हुआ, स्ट्रॉबेरी बेच रहा है जी 80 रुपये किलो, 150 रुपये किलो ऐसे बता रहा है कोई। अभी जी ये जो रोड है ना हसन सवाल, इस पर काफ़ी रश है जी। आज इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं ना, तो उस हवाले से जी बहुत ही रश है, हैवी ट्रैफिक गुजर रही है, क्योंकि बड़ा रोड जो है ना पुराना शुजाबाद रोड वो बंद है, भावलपुर बाईपास वो भी बंद है, और उसके अलावा मुल्तान भी बंद है सारा, 9 नंबर 6 नंबर गुल गश्त ये सारा बंद है जी। अभी जी एक फैसल मोर की बस भी गुजरी है, और वरैच वालों की भी बस गुजरी है, मतलब कि मुख्तलिफ कंपनियों की बसें इधर से ही गुजर के जा रही हैं जी। वो ट्राली आ रही है जी, इधर से मट्टी आ रही है जी, ये सामने जो नज़र आ रहे हैं ना किकर, इसके पिछली तरफ वो आपको आ रही है, आ रहा होगा नज़र, इधर से मट्टी आ रही है जी घर के भरा के लिए अंकल की। अगर वीडियो पसंद है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज का व्लॉग करते हैं जी यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।